आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हो चुकी है, हर पार्टी के इच्छुक उम्मीदवारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोलापुर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर मध्य में एक ट्विस्ट अब तक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का अब तक कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ। तो दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर महायुति से देवेंद्र फडणवीस, जो कि काफी चर्चा में, उनके विवादित भाषणों को लेकर चर्चा में है, उनकी डिक्लेयर सीट यहाँ पर हो चुकी है। तो दूसरी ओर MIM के फारूक शादी, तो तीसरी ओर माकप के नेता आडम मास्टर, तो तीन उम्मीदवार शहर मध्य से बताए जा रहे हैं। लेकिन अब तक महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस की ये सीट बताई जा रही है, कोई भी उम्मीदवार यहां से घोषित नहीं हुआ है। लेकिन सोलापुर शहर के अंदर जो काफी चर्चा में रहते हैं हर वक्त, जिनकी पहचान एक पत्रकार से जानी जाती है, MD शेख, जिन्हें 2002 के बाद से जो है काफी शोहरत मिली और 2002 के बाद वो पूरे शहर भर के साथ साथ सोलापुर का एक प्रसिद्ध चेहरा बनकर सामने आए। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें इस चुनावी मैदान में उतारे, शहर मध्य का टिकट दे। अगर वो टिकट नहीं देती है तो उनकी क्या भूमिका होगी और शहर मध्य का विकास किस तरह से वो करना चाहते हैं, या फिर शहर मध्य को लेकर जितने भी लोगों ने यहाँ से उम्मीदवारी मांगी है उनको लेकर वो क्या सोचते हैं, इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, MD शेख साहब। तो सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल कि कांग्रेस पार्टी से ही आपने टिकट की मांग क्यों की? क्योंकि भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद आज तक मुस्लिम समाज ने कांग्रेस पक्ष के साथ रहकर कांग्रेस पक्ष को बड़ा किया है, तो कांग्रेस पक्ष का भी ये मन होना चाहिए कि मुस्लिम समाज को अपन बराबर का हिस्सेदारी राजनीति में देना चाहिए। तो मुस्लिम समाज को कांग्रेस पक्ष ने टिकट देना, क्योंकि हमने मुसलमानों ने पूरे कांग्रेस पार्टी का काम किया है ना, तो इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है। जब हम कांग्रेस पक्ष को जीता कर देते हैं तो टिकट मांगने का भी हक और अधिकार हमको है। अभी 2004 के बाद आज तक सुशील कुमार शिंदे साहब को चुना कर दिए, उसके बाद उनके लड़की को यानी कि परिणीताई शिंदे को हर बार हम चुना के देते, तो इस मरतबा अभी शिंदे साहब तो लड़ने वाले नहीं है, फिर परिणीताई को हमने खासदार बनाया है, तो ये जगह खाली है। उनका फर्ज बनता है कि जिन मुसलमानों के वजह से अपन देश के गृहमंत्री पद तक पहुंचे, उस मुसलमानों के एक अच्छा काम करने वाले होशियार पत्रकार यानी कि कानून की मालूमत रहे हुए और तमाम समाज के साथ बराबर से दोस्ताना रखकर काम करने वाले, मिलजुल कर काम करने वाले ऐसे कोई एक कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट देना चाहिए, और वो है काम करने वाला मजबूत। सभी बातों से पत्रकार बोल के मैं काम करता हूं 41 साल से, तो मुझे मालूमत है, और समाज के और इतर समाज के भी मैं आज तक सैकड़ों काम कर चुका हूं, इसलिए वो टिकट मुझे मिलना चाहिए, ये हिसाब से मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी कई सालों से उसका एक गढ़ माना जाता है शहर मध्य को लेकर। अगर विकास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर शहर मध्य ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 2009 में बनी है, 2009 से लगातार परिणीति शिंदे तीन बार यहाँ पर हैट्रिक चुनी जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर समाजों की जातियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मुसलमान के बाद मोची समाज है या साड़ी समाज है, ये तीनों समाज के लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस उन्हें टिकट दे। तो उसमें से अगर हम बात करेंगे मोची समाज में, तो उन्होंने सीधे तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया है कि अगर मोची समाज से कोई कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी नहीं उतारती है तो पूरा समाज उनका बहिष्कार करेगा। अभी हाल ही में 4 महीना पहले लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में मोची समाज ने किसके साथ मतदान किया और मोची समाज ने मतदान किसको किया वो पूरे सोलापुर शहर को भी मालूम है और परिणीताई और शिंदे साहब को मालूम है, कांग्रेस पार्टी को मालूम है। इसलिए मोची समाज वो बाहर गया क्या अंदर रहा क्या, इससे पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। किस प्रकार से जो है मोची समाज बगावत का नारा देती है, तो कांग्रेस पार्टी से कई सालों से लगाव रखने वाले मुसलमान के जितने भी कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी मांग की थी कि मुसलमान कैंडिडेट को यहाँ पर उतारे, अगर पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं देती है जिस प्रकार से मोची समाज ने बगावत कर दी, तो मुसलमान को क्या चाहिए कि वो भी बगावत करे या फिर जुड़े रहे? नहीं, अगर मुस्लिम समाज को मेरे जैसे चेहरे को अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो कांग्रेस पार्टी का एक MLA हमेशा टिक कर रहेगा इंशाल्लाह यहाँ काम पर। अगर कांग्रेस पार्टी MD शेख की बजाय किसी और मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव लड़ाती है तो उस वक्त MD शेख की क्या भूमिका रहेगी? नहीं, MD शेख तो चुप बैठेगा, वो खुद मतदान करेगा, लेकिन जिसमें हिम्मत है ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देना चाहिए, क्योंकि उसमें वो कुव्वत भी होना चाहिए।
क्या लगता है कि 2002 में जब यहाँ पर एक कम्युनल राइट्स हुए, तो उस वक्त एमडी शेख को जो है बहुत सारे लोगों ने एक अलग नजर से देखा था। 2002 में आप पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्याय हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सही हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखो, मेरा काम, मैं पिछले 41 साल से पत्रकारिता में काम करता हूं, उस टाइम से आज तक हर समाज के कामकाज में पूरे ताकत के साथ धड़ाड़ी से काम करता हूं। जो भी समाज का लोग मेरे पास आते, बेचारे औरतें आते, बूढ़े आते, हमारे दोस्त बिरादर आते, कोई भी फर्क नहीं जाता, जिसका भी काम है, तो मैं मेरे पत्रकारिता के दम पर और मेरी होशियारी और दोस्ताना हर समाज के अंदर, मेरे हर समाज के नेता में मेरा दोस्ताना है, वो हिसाब से मैं कामकाज करता हूं। तो 2002 में मैंने एक 8 जुलाई 2001 को और 3 फरवरी 2002 को ऐसे दो मेलावे ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के जानिब से पानगल स्कूल में लिया था। वो मेलावे जो है ना, भारत देश के इतिहास में सबसे बड़े मेलावे थे। तो इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टी को ऐसा लगा कि भाई एमडी शेख जो है बहुत बड़ा नेता बन चुका है, अगर इसी तरीके से काम पर काम चलता रहेगा, क्योंकि 1250 शाखा महाराष्ट्र राज्य में ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के हो चुके थे और इतर राज्य से मुझे बुलावा आ रहा था। तो उन्होंने सोचे राजनीतिक लोग कि भाई अगर ये समाज एक जगह आता है तो फिर अपने को, अपने पार्टी को धोखा है, ये समझकर मुझे कुछ लोगों ने उनके स्वार्थ के लिए दंगल घड़ाई और कुछ नेताओं ने मुझे उसमें गुताया। कौन से नेता होंगे? अब वो नेता का नाम तो पूरे सोलापुर शहर और जिले के और पूरे भारत देश के लोगों को मालूम है कि वो कौन थे, मैं बोलने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है, क्योंकि मुझे वो मेलावे लेने से फायदा मुस्लिम समाज का हो रहा था, मुस्लिम समाज का विकास हो रहा था। तो मुस्लिम समाज के लोग एक जगह आने से किसका नुकसान होने वाला था, उन्होंने मुझे गुताया। अभी सोचो, 10 केसेस में, दंगल के 10 केसेस में मुझे गुताया, एक भी एफआईआर में मेरा नाम नहीं है। तो फिर मैंने क्या गुनाह किया या नहीं किया, ये तो पब्लिक को मालूम है और सोलापुर शहर, जिला और महाराष्ट्र राज्य और देश के तमाम लोगों को मालूम है कि दंगल से एमडी शेख साहब का कुछ भी संबंध है और पूरे के पूरे केसेस निर्दोष बाइज्जत मुझे बरी किए गए। क्या लगता है कि शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर माकप के नेता आड़म मास्टर हैं, उनका एक विजन था कि सोलापुर की जनता को, बहुत सारे जो गरीब परिवार होते हैं उनको छत देने का उन्होंने काम किया, तो वो एक बेहतरीन काम पूरे एशिया खंड में बताया जाता है कि एक काम हुआ। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एनटीपीसी का दावा करते हैं, उन्होंने एनटीपीसी लाई, बहुत सारा रोजगार वहां पे पैदा किया, लेकिन एआईएमआईएम जो अभी चुनावी मैदान में है वो ये कहती है कि मुसलमानों के साथ इतना अन्याय हुआ है तो आप सभी पार्टियों को छोड़कर एमआईएम में आ जाइए। और तीसरी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देवेंद्र कोटे की, जिन्होंने हाल ही में कथित मुस्लिम विवादित बयान देकर जो है इस बार बीजेपी से टिकट पाया है, तो एमडी शेख इन चारों का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? देखो, आपने माकप की बात की है, वो कामगार नेता के नाम से जानते हैं। अब मुझे बताओ, सोलापुर शहर के अंदर, सोलापुर शहर को पूरी दुनिया गिरन गांव के नाम से जानती थी। आज है क्या कौन सी गिरनी चालू, बीड़ी कारखाने चालू है क्या, कौन से कारखाने या तो कंपनियां, लक्ष्मी विष्णु मिल है, एनजी मिल है, जाम मिल है, जूनी मिल है, यशवंत सूत गिरनी है, सोलापुर सूत गिरनी है, तुम्हारा शिवशाही सूत गिरनी है, कहां है ये सब? जब वो कांग्रेस वो जब कामगार नेता है तो उन्होंने ये बंदे होने को देना चाहिए था। उलट मैं तो बोलूंगा, इन नेताओं के वजह से सोलापुर शहर के तमाम मिले बंद पड़े और इसलिए उतने लोग बेकार हो चुके हैं। अभी एक बात बताता हूं मैं, अभी देखो होटगी रोड के इंडस्ट्रियल स्टेट है क्या आज? इंडस्ट्रियल, एक तो इंडस्ट्रियल चालू है वहां पर, इंडस्ट्रियल छोड़ के शोरूम दूसरे निकले, अपने अपने पेट भरने का काम कर रहे। अक्कलकोट की एमआरडीसी, अक्कलकोट रोड की एमआरडीसी जाकर देखो, पानी नहीं है, पानी बिकत लाना पड़ता है, क्या करे इतने नेता लोग काम करे? अच्छा चलो, उन्होंने तो पूरे वाक्य है, क्यों नहीं करे आज तक काम? अरे बात एनटीपीसी की तुमने बोलते, एनटीपीसी को सोलापुर के लोगों की खेती बाड़ी उन्होंने बिकत लिए, लेकिन सोलापुर को उन्होंने ऊर्जा दिया। आज तुमको मालूम है कितने लोग मरे दक्षिण सोलापुर में, होटगी और उसके आसपास के लोग, वो इसके कड़क ऊर्जा के वजह से कई एक लोग मरे। और सोलापुर के कितने लोगों को एनटीपीसी में नौकरी मिली मुझे बताओ? अरे बात एमआईएम की, एमआईएम देखो पिछले 10 साल से सोलापुर में आके घुस पड़ा है, उनको पहली बात कानून की मालूमत नहीं, सिर्फ मुसलमान के लोगों को बुद्धू बनाने का, चार लोगों को नजीक बुला के किसको तो 1500 रुपए देने का, कुछ उनके पास कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ते, उनको मैंने पूछा, मेरे पास आए थे
तो बोले बरस को एक बार जब रमजान आती है तो 3-3 हजार रुपए के पैकेट हमको मिलते हैं, ये तुम्हारा काम। अरे विकास काम किसको बोलते हैं ये पहला उनको मालूम होना चाहिए। परसों उनको पूछे तो उन्होंने चार काम बताए, बोले चुनके देने के बाद 250 पगार बांटता। अरे भाई क्या बात करते है, तुमको बोलने को तो पहला समझना चाहिए विकास किसको बोलते हैं, समाज किसको बोलते हैं, ये सबसे पहले देखो। उनका कोई मुद्दा नहीं। रही बात चौथा नाम तुमने लिए, देखो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही लोग कोई होना चाहिए, मतलब शादी तो करने का, तुमको बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं, बस मुसलमान को एक गाली दे नेता बन जाते। तो ऐसे तथाकथित नेते कितने आए और कितने गए। एमडी शेख के सामने इंशाल्लाह ताला कोई भी भारत देश का एक भी ऐसा झोलझाल करने वाला नेता टिक नहीं सकता। क्या भूमिका रहेगी शहर मध्य में अगर एमडी शेख की, जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि एमआईएम 10 सालों में क्या काम किया, लेकिन माकप ने तो काम किया, एमडी शेख ने क्या किया? साफ सोलापुर शहर ने मैं महाराष्ट्र के लिए पूरे काम किया। मैं बोलो ना, वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ 21 लोगों का स्टाफ है, 179 लोगों का प्रस्ताव तैयार करने से लेकर मंजूरी लाने तक मैंने किया मेरे लेटर पैड पे। 179 लोगों की पद भर्ती लाया, लेकिन मैं किसका भी नाम सोचा नहीं कि भाई इसको काम पर लो, कोई भी मिलो हमारे समाज को कामकाज मिलना चाहिए, ऐसी मेरी धड़पड़ रहती और काम हुआ। 1992 में वो मेरे पास तीन लोग आगे बैठे थे, एक इनामदार यासीन भाई और मौला हसन शेख, तो ये तीन लोग आके मेरे पास बैठे थे। 55 साल में हमारे को रिटायर किया गया होमगार्ड से, बोले जबकि हमारी उम्मीद है हम अभी सरकारी नौकरी भी है तो वहां पर हमको 58 साल को रिटायर किया जा रहा है। तो सुधाकर नाइक साहब को मैं जाकर पूछा, साहब आपकी उम्र कितनी है जो आप चीफ मिनिस्टर बनके बैठे? बोले मेरी उम्र ज्यादा है। अरे ज्यादा है तो फिर आप जब महाराष्ट्र संभाल सकते तो होमगार्ड को 55 साल को रिटायरमेंट क्यों करे? नहीं बोले अन्य करो। बोला मेरा लेटर पैड पे एमडी शेख संपादक दैनिक बंधु प्रिंट 16 पर ऐसा लेटर पैड, उस पर मैंने 58 साल का मैं खुद हियर लेके आया। और जब 1992 में 5/5/1992 के सोलापुर शहर में हाथ हुई, हाथ होने के बाद टाउन प्लानिंग का वैसा ही था, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट थी, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से डेप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट, अरुण गुजराती साहब महाराष्ट्र के नगर विकास खाते के मंत्री थे, यहाँ के सोलापुर के एसएल जोशी वो साहब जो है मेरे अच्छे दोस्त है, वो जोशी साहब की ट्रांसफर हुई थी वड़गांव निम्बाल को, उनकी मिसेज आकर हमारे मिसेज के पास आकर सीधा ऐसा पल्लो रख के बैठे, बोले हमारे पति की बहुत हाल चल रही है उधर बदली हुई। तो मैंने मेरे को हमारे मिसेस ने बुलाया घर पे, मैं कहा बोला क्या हुआ भाभी? तो बोले ऐसा ऐसा। मैं बोले ठीक है क्या करना चाहिए? तो बोले नहीं वो घटक निर्माण करना पड़ता है, 18 लोगों का घटक सोलापुर में निर्माण हो सकता है, महानगर पालिका ने ठहराव की। मैं ताबड़तोब सेम डे लेटर पैड में लेटर तैयार किया, दूसरे दिन सुबह सुबह अरुण गुजराती साहब के पास गया, उनको बोला साहब हम कुछ ऑफिसर लोगों के पास समाज के काम लेके जाते, वो बेचारे ताबड़तोब करते, जात पात नहीं देखते, तो फिर उनका भी काम उनके पर अन्याय होता है तो आप लोग काम करना पड़ता है, बराबर है? बोले मैं बोले साहब ये घटक निर्माण करने का काम करो, ताबड़तोब ऑर्डर दिया। तीसरे दिन मैंने सोलापुर को ऑर्डर लेके आया, डिप्यूटी डायरेक्टर के पोस्ट भी, और 18 लोगों का घटक निर्माण हो, 18 लोगों का काम करो, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, मैं जात पीत नहीं देखता लेकिन काम करता हूं। तो टाउन प्लानिंग की भी बात की अपने, तो सोलापुर शहर में हदवाड़ जो एरिया है उनको प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर पिछले 20-25 सालों से मसला चल रहा है, तो एमडी शेख ने उनके लिए क्या किया? साहब मेरे पास जितने भी काम आते एक भी काम मैंने आधा नहीं छोड़ा। प्रॉपर्टी कार्ड की जो तुमने बात करे ना वो कुछ डिफिकल्टी है, उसके अंदर कुछ जो है ना सामाजिक कार्यकर्ते जो रहते वो अपना अपना उन्होंने ताकत लगा रहे, अगर नहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, नहीं सब भ्रष्टाचार है, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आता और जब तक मुझे दिखता नहीं मैं नहीं करता, मैं किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर माध्यम से आपको कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है और वहां पर जो है प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर नागरिक बहुत परेशान है, तो एमडी से क्या करेंगे उनके लिए? मेरे पास इंशाल्लाह इसे एक चार पुरावे लेके आंदे पूरा उल्टा पलटा करता मैं किसी की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। मैं खुद एक अखबार का मालिक हूं, 3-3 अखबार का मालिक हूं, मैं खुद लिखता हूं और अधिकारी लोग मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। सोलापुर शहर ने महाराष्ट्र के जमाबंदी आयुक्त तक मुझे जानते, जाने के बाद मेरी इज्जत से पूछते शेख साहब क्या लाए काम, ये काम एक मिनट में काम करता मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के वसीले की, कोई पक्ष या तो कोई जंत्री फंत्री की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अभी मुझे भाजपा के बाद बोले भाजपा वाले भी मेरा काम करते, शिवसेना के है शिवसेना वाले काम करते, कांग्रेस है कांग्रेस वाले करते, पवार साहब ने तो माशाल्लाह शरद चंद्र जी पवार साहब ने मैं मेरे समाज के काम जितने बन जाए उतने काम करे। अच्छा 1995 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मनोहर जोशी साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, बेचारे अभी जिंदा नहीं है, लेकिन मैं जितने काम लेकर गया 7 GR उस टाइम पर मैंने अल्पसंख्यक समाज के हक में कराए। उसके बाद विलासराव देशमुख साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे,
2002 में मेरा 2001 और 2002 में जो मेरा उसके बाद विलासराव देशमुख साहब ने खुद मुझे बुला के लिए कि क्या तुम्हारे मांगे, मैंने जितने मांगे दिया पूरे के पूरे मंजूर करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो आदमी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा था और समाज के काम किया उन्होंने। क्या किया उसमें एक दो तीन बोलता मैं। आज जो महाराष्ट्र में बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है ये ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के मालमत के मांगने की वजह से। जो विस्तार अधिकारी हर जिले में उर्दू के लिए 2 विस्तार अधिकारी होना चाहिए वो मेरे मांगने की वजह से हुए। गट शिक्षण अधिकारी भरने की मांग थी और महानगर पालिका नगर पालिका जिला परिषद ये तमाम स्कूलों में जो पद भर्ती थी शिक्षक की वो पूरी पद भर्ती मैंने करने को लगाया। अभी हाल ही में देखो ना मनुस्मृति लाए थे, मनुस्मृति को मैंने उड़ाया। अजय दादा पवार को 12 जून को जाकर मैं मिला, उन्होंने 26 जून को डिक्लेयर किया कि महाराष्ट्र में मनुस्मृति को थारा नहीं, तो उनका भी हमने अभिनंदन किया, आभार माने हमने उनका। 1000 करोड़ रुपये मैंने बोला मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को अन्ना साहेब पाटिल महामंडळाच्या धर्तीवर दिया, हरकत नहीं, उन्होंने हमी पत्र दिया लेकिन 1000 करोड़ रुपए मिले। हर मुसलमान को 5 लाख रुपए कर्जा देने का काम चालू है अभी फिलहाल, मुसलमान जाके लेना चाहिए। इतने सारे काम किया आपने, बंबई हाईकोर्ट का जजमेंट है कि मुसलमानों को शिक्षा और नौकरी में 5% सरकार रिजर्वेशन दे, तो एमडीसी किस पर बात कभी नहीं करते? बोलता ना, देखो मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने सन 2016 में एक जनहित याचिका पर उन्होंने बोला है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में टीटी की अनिवार्य नहीं, तो उसके बारे में मैंने 3 जून को 8 जून और 23 जून 3 मेला लिया सोलापुर शहर और जिले के तमाम खासगी संस्था चालक प्रिंसिपल और हेडमास्टर वो मेला लेकर मैंने मांग की है कि औरंगाबाद हाईकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करत तसा जीआर काढा मुस्लिम समाजाचा म्हणजे अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षक भरतीला टीटी लागू नाही असं जीआर काढा। थोडा रुकून जाऊ आपको, टीटी ये जो एग्जाम है ये टीचर की पात्रता चेक करने के एग्जाम है, तो माइनॉरिटी में ऐसी क्या वजह है कि पात्र टीचर को लेने की बजाय टीटी नहीं वाला बच्चा चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड टीचर होना या नहीं होना चाहिए अल्पसंख्यक समाज में? देखो सबसे पहले तुमको एजुकेशन में पढ़ाने के लिए डीएड अनिवार्य करेगा। डीएड की बात नहीं है, ये टीटी सुनो ना, पात्र है ना, नहीं मैं बोल रहा ना, डीएड अनिवार्य करे थे तुमने तो डीएड हुए, बाद में कुछ दिन के बाद तुमने बोले हाईस्कूल में पढ़ाने के लिए उसको बीएड कंपलसरी है तो बीएड दिए, बीएड के बाद तुमने अभी टीईटी लाए। मैं चाहता हूं ना मुस्लिम के अल्पसंख्यक के बच्चे भी पास होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है अरे भाई जो लिखे वाले बच्चों को फेल करे, जिन्होंने टेबल के नीचे से पैसे दिए ऐसे लोगों को पास करे, सुपे कर आज तक जेल में तो महाराष्ट्र का सीओ लोग पकड़े भी गए, सारे पकड़े गए ना हाँ। तो फिर वो शिकायत उसके अंदर आधे कुछ मुसलमान के भी थे ना लोग, तो नहीं जीआर में लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, जितने लोगों ने फ्रॉड किया है टीईटी में हो या टीएट में हो इन लोगों को नौकरी पर नहीं लिया गया। नहीं क्या बराबर है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ डीएड और बीएड ये काफी नहीं है क्या? तो ये अगर टीईटी लेते हैं तो ये टीईटी में पात्रता जांच की जा रही है ना इसकी, तो ये अच्छी बात नहीं है क्या? एमडीसी की नजर में टीईटी अगर पास हो तो वो शिक्षक बेहतर है या बगैर टीईटी पास? अच्छा है वो शिक्षक, बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले काफी लोग हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो है ना माली हालत खराब रहने की वजह से अक्के पढ़े करने को नहीं जा रहे हैं। और हमारे लोगों में एक थोड़े सा ये है कि 17-18 साल हो गए तो पहला बच्ची की शादी करने का वो ज्यादा जल्द गड़बड़ रहती है, इसलिए कौन आगे पढ़ाते नहीं, किसकी खर्चा करने की ताकत नहीं रहती, इसलिए हमारे लोग पीछे रहते। तो अल्पसंख्यक समाज बोला किस लिए गया है, तुम जो मागासवर्गीय को देते ओबीसी समाज को देते सहूलत, अल्पसंख्यक को समाज अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए किस लिए? अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाने का कल्पना भी एमडीसी की है, विलासराव देशमुख ने किया। अल्पसंख्यक मंत्रालय कहां होना चाहिए वो भी जगह मैंने दिखाया, मंत्रालय के 7वें मजले पर जहां मैंने दिखा वहीं अल्पसंख्यक मंत्रालय का खोला, क्योंकि मैं बोलता हूं सुनो वहां पर हमारे मुसलमान के लोग ड्यूटी पर जो है ना सरकारी मंत्रालय में वो नमाज पढ़ने को जाते थे, 7वें मजले में कुछ भी नहीं था। तो कुछ लोग जो आरएसएस का दिमाग रखने वाले लोग तो मस्जिद करा लगले बोले, फिर मेरे को आकर मिलने के बाद मैंने जाकर विलासराव को बोला विलासराव साहब तुम्ही मंत्रालय तर अल्पसंख्याक उघडलं म्हणता 9व्या मजल्यावर ऑफिसला जागा दिली, साधा 200 रुपयाला बोर्ड लावू शकला नाही, मी 200 रुपये देणगी देऊ इच्छित आहे शासनाला। अरे काय को बोले, मैं बोला बोर्ड भी नहीं लगाया, अच्छा मंत्रालय बनेंगे बोले, तो फिर मैंने बोला साहब यहां बनाओ, ये मेरी मेरी खुद की मांगनी थी वो हिसाब से मांगनी करे।
तो आने वाले समय में सोलापुर शहर मध्य की जनता को एमडी से क्या आह्वान करना चाहेंगे? अगर मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से कांग्रेस पार्टी नहीं देती है तो उस वक्त आपकी क्या भूमिका होगी और मतदार क्या करे? इंशाल्लाह ताला अगर मुसलमान को यानी कि एमडी शेख को टिकट नहीं दिया तो इंशाल्लाह मैं समाज की एक मीटिंग लूंगा, सिर्फ मुस्लिम समाज के नहीं बल्कि इतर धर्म के अंदर मेरे जो दोस्त बिरादर है तमाम लोगों का मैं एक विचार विनिमय करने के लिए बैठक लूंगा। और अगर उन्होंने बैठक में बोला कि सब जन मिलकर मुसलमानों ने मिलकर ये बारी को अपन बायकॉट करने का कांग्रेस का और तुम इंडिपेंडेंट लड़ो तो इंशाल्लाह मैं तैयार हूं। तो ये थे हमारे साथ एमडी शेख, जिन्होंने अपनी बेबाकी से सोलापुर शहर मध्य की जनता को साफ तौर पर आह्वान किया है कि आने वाले समय में अगर महाविकास आघाड़ी से कोई उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देती है तो ऐसे समय में वो बहिष्कार करेंगे या फिर अपक्ष की भूमिका वो लड़ेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अकीम मड़की, आजादी बचाओ न्यूज के लिए जय हिंद।